दिल्ली पुलिस एक आदेश जारी कर और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। आज एनसीसी रैली का आयोजन है और उसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। इस रैली में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से थोड़ी देर बाद वो संबोधित भी करेंगे। जय चिमन चिमन सम्मानगढ़ आपके निरीक्षण के हजरत जय चिमन। The Guard of Honor is being presented by four contingents of the National Cadet Corps led by Under Officer Shubham Rawat. एनसीसी कैडेट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिख रहे हैं, तस्वीरों में मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर में उनको संबोधित भी करेंगे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र देते हैं, एक संदेश देते हैं, वही संदेश एक बार फिर से आज वो देंगे। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त दिया जा रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए, इस रैली के आयोजन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। एनसीसी की ये रैली है, पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। इसी के बाद वो यहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। After the naval wing, the air wing contingent led by Under Officer Anand Singh of Delhi Directorate. And the girl wing contingent of the NCC led by Under Officer Ankita Rani of Delhi Directorate. तो परेड का इस वक्त आप देखिए निरीक्षण भी प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले किया और गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। एनसीसी कैडेट के बीच में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर में वो संबोधित भी करेंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही तस्वीरों में आप देख रहे हैं और नजर इस बात पर होगी कि आज जब वो उस मंच पर पहुंचते हैं तो किस तरीके की बात रखते हैं, किस तरीके का मंत्र वो यहाँ पर मौजूद लोगों को देते हैं, संदेश उनको उन तक पहुंचाते हैं, ये देखना होगा। परेड का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं और इसी के साथ साथ उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तस्वीरों में राजनाथ सिंह भी इस वक्त नजर आ रहे हैं उनके साथ मंच पर। दोनों ही लोग इस वक्त मौजूद हैं, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। So as the Guard of Honor marches off, in the event today, Prime Minister will also be distributing awards to the meritorious NCC cadets. तो आज दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करेंगे अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में आपको इस वक्त वो नजर आ रहे होंगे। राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत भी यहां पर मौजूद हैं। युवा शक्ति राष्ट्र का स्तंभ, गहन ऊर्जा, महत्वपूर्ण दिन, परेड का उन्होंने निरीक्षण भी किया और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। सेवा कर चुके हैं, युवा वर्ग के लिए सदैव एक प्रेरणा रहे हैं। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। ये वही कैडेट्स हैं जिन्होंने 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस वक्त मौजूद हैं। And there we see nearing the saluting dais, cavalry, where soldier warriors are mounted on horseback,
तो पीएम यहां पर मौजूद हैं, तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, और इसी के साथ साथ पीएम एनसीसी की रैली में शामिल होकर उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। इस मौके पर कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश कर रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, कैडेट्स कला, संगीत और साहसिक खेलों का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रतिभाशाली कैडेट्स को आज पुरस्कार भी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान एनसीसी कैडेट्स के बचाव कार्यों की सराहना भी की थी। और अब से थोड़ी देर में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं और एक बार फिर से उनके किए गए कार्यों की सराहना वो कर सकते हैं। आज जब वो संबोधित करेंगे वो भी महत्वपूर्ण क्षण होगा। यहाँ पर इस वक्त जितने लोग भी मौजूद हैं उनके लिए और देश के लिए, याद होगा आपको पिछली बार जब उन्होंने जिक्र किया था तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में एनसीसी की भूमिका का भी जिक्र किया था। उन्होंने साथ ही साथ एनसीसी कैडेट्स के बचाव कार्यों की सराहना भी की थी। और इस वक्त एनसीसी की रैली में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और एक बार फिर से अब से थोड़ी देर में वो संबोधित करेंगे एनसीसी कैडेट्स के बीच में। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस वक्त मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद हैं। That's the Andhra Pradesh and Telangana Directorate. Chests swelling with pride, heads held high, smartly marching contingent, Andhra Pradesh and Telangana led by Senior Under Officer P. Satish Kumar Reddy, placard bearer Senior Under Officer Adnan Pasha. Smart salute to the Honorable Prime Minister. Following close behind is Bihar and Jharkhand led by Senior Under Officer Shivanandan Kumar and Senior Under Officer Abhishek Kumar. And that's the Delhi contingent led by Senior Under Officer Rahul and the placard bearer Sergeant Rajiv Nayak. These are the mellifluous tunes coming from the brass band. देखो, देखिए तस्वीरें जो हैं एनसीसी के इतिहास के सुनहरे 73 साल, इसकी शुरुआत 1948 में हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कैडेट्स की तारीफ कर चुके हैं।